तो गज अभी इन लोगों ने बोला है, शोरूम पर आया था मैं, तो इनका सर्विस स्टेशन दूसरी जगह है तो वहाँ जाना है, तो वहाँ से जो भी प्रॉब्लम है इन लोगों ने बोला जो भी प्रॉब्लम है उधर चले जाओ, यहाँ से 2 किलोमीटर के लगभग है इनका शोरूम, सो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवाते हैं। पहले मैं यहाँ आया था शोरूम से, यहीं से ली थी हमने बाइक और वापस मिलना है उन सर से यहाँ के, तो पहले चलते हैं वहाँ पर और वहाँ जाके जो भी प्रॉब्लम है वो दिखाएंगे, तो उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं पीएल बजाज सर्विस स्टेशन, जो इनका केटीएम और बजाज का सर्विस स्टेशन है वहां पर, और अपनी बाइक को खोल के जब चेक किया फिल्टर वगैरह को, तो देख सकते हो फिल्टर बॉक्स में इतना सारा ऑयल है। ये प्रॉब्लम है अपनी RC 200 में, जो कि मैंने जनवरी में ली थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार ये क्या प्रॉब्लम है। बाकी आप आगे फिल्टर भी देख सकते हो, मैं फिल्टर भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि पूरा पैक हो जाता है ऑयल से। तो यार ये क्या प्रॉब्लम है मेरे को पता नहीं, जैसे ही गाड़ी चलती है 100 किलोमीटर के लगभग तो वापस से यहाँ ऑयल इकट्ठा हो जाता है आके और फिल्टर भी पूरा पैक हो जाता है। और जब इन लोगों को अपनी RC को दिखाया तो इन लोगों ने बताया कि एक बार फिल्टर वगैरह साफ सूफ करके देंगे, चला कर देखो। लेकिन मैंने देखा फिर से वही प्रॉब्लम आई, तो मैंने वापस से विजिट किया सर्विस स्टेशन पर, तो ये लोग बोल रहे हैं कि 8-10 दिन आपको अपनी बाइक ड्रॉप करनी पड़ेगी और तब कुछ सोल्यूशन होगा इस चीज़ का। तो 8-10 दिन मैं यहाँ बाइक को ड्रॉप करूँगा, उसके बाद मिलेंगे यार, जैसे ही वापस मिलेंगे RC में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी आई मिस यू माई हार्ट बीट।